सो गैस हमारा पूरा शहर तो धीरे धीरे बदल रहा है। बट गैस हमारे मेन बेस के सामने ये दग्गू बंदर वाला घर तो थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है। और कुछ देर तक डिप्रेशन में जाने के बाद हमने सोचा कि क्यों नहीं इसको पे हैंडसम बना दिया जाए। सो गैस मैं हूँ माइंड माइंड, और अगर आप लोग इस वाले चैनल में नए हो तो इस वाले वीडियो को लाइक करके नीचे वाला सब्सक्राइब बटन भी दबा देना, अपना ही दुश्मन समझ कर मुंह तोड़ दो उसका। ओके सो गैस यूट्यूब देखते देखते बोर हो गए हो तो इंस्टाग्राम में जाकर इस वाले अकाउंट को भी फॉलो कर लेना, जिंदगी सफल हो जाएगा सच में। सो गैस आज का शॉर्ट जाता है गुस्सी अयान और मानव ऑफिशियल को। अगर आप लोगों भी शॉर्ट चाहे तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, जाकर कमेंट कर देना। और थोड़ा वीडियोस आइडिया है तो नीचे कमेंट में ड्रॉप कर देना। सो अब करते हैं जग्गू बंदर का नाम लेकर इस वाले कार्यक्रम को शुरू। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस अभी इसका हालत देखा जाए तो जंगल बुक वाला मुगली से भी इसका हाल बदतर हो रखा है। तो गाइस इसको हमें जल्दी जल्दी रिपेयर करना पड़ेगा, जैसा घर वैसा ही नाम रख दिया मैंने तो। और अपना प्राइवेट जेट उड़ाकर हम चले जाते हैं अपने मजदूर घर की तरफ। और गाइस वहां जाने के बाद हम इधर ढूंढने लगते हैं एक जादुई बुक जो की होने वाला है एफिशिएंसी और अनब्रेकिंग। कैसे हमें ऑन ब्रेकिंग तो मिल जाता है बट हमें एफिशिएंसी का बुक नहीं मिलता। और कैसे हमने तो बिना दिवाली आए बिना दो पटाख के वेस्ट कर दिया। सो गाइस उसके बाद अपने हीरे के खिलाड़ी में हम डाल देते हैं अनब्रेकिंग का एन्चेंटमेंट। और कैसे हम इधर गुहा वाले घर में आकर निकालते हैं एमरल्ड को। और कैसे हम यहाँ से वो सारे चीज उठा रहे थे जो की हमें जरूरी दिख रहे थे, बट कैसे जरूरी नहीं है वो अलग बात है। तो कैसे एमरल्ड के फौज को खड़ा करने के बाद हम इसको तोड़ लेते हैं। और कैसे फाइनली हमें मिल जाते हैं 14 एमरल्ड्स, क्योंकि कैसे हमारे पास 14 ट्रिकअप केक्स था। और हम धीरे धीरे खिसकते खिसकते चले जाते हैं मजदूरों के पास। और गाइस वहाँ जाकर हम ढूंढने लगते हैं एफिशिएंसी का बुक जो कि हमें मिल भी जाता है, तो इसको भी हम खुलाड़ी में चिपकाई देते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, मजदूरी तो फास्ट होने वाला है। और दुकानदार ने कुछ पैसे छोड़ दिए थे तो हम उनको चुरा लेते हैं। और गाइस जो जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा सामान थी इसको हम रख देते हैं सर्कल बॉक्स के अंदर। और गाइस हम वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। नहीं नहीं भाग कर नहीं जा रहा हूँ, मजदूरी करने जा रहा हूँ। सो गाइस इधर तो बहुत सारे पेड़ दिख रहे, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ बहुत सारा मजदूरी करने के बाद। बहुत सारे लड़के मतलब लकड़ियों को कलेक्ट करने के बाद। सो गाइस प्रोफेसर ओक के आधे से ज्यादा जनसंख्या को हमने घटाकर अपने जेब में भर लिया था। और गाइस हमने प्राइवेट जेट को उड़ाकर हम अपने सस्ते हेलीपैड में लैंड कर लेते हैं सेफली। गाइस दुबई के इंजीनियर्स ने बनाया है ये। सो गाइस सारे सामान इधर छोड़ने के बाद अब हमें निभाना था पीटी वाले सर का रोल, क्योंकि सब इस वाले ट्री को हमें गंजा कर देना है। तो सबसे पहले हम अपना रॉकेट उड़ा लेते हैं। और गाइस वहाँ पर लैंडिंग करने के बाद हमें ये ऊपर वाला हिस्सा सारा कट कर देना है। सो गाइस इससे नीचे वाला हमें कट नहीं करना, नहीं तो कैसे हम ऊपर कैसे आएंगे। सो गाइस दूसरी तरफ का भी उड़ाने के बाद हम इधर जमीन में गिरे हुए पुदीने के अचार को उठाने लग जाते हैं, वैसे टेस्ट बहुत अच्छा था। और गाइस बंदर वाला हरकत दिखाते दिखाते हमने इधर एक खिलौना गवा दिया, बेचारे एक ही वॉकर भाई सबकी बलि चढ़ गए। सो पूरे ट्री हाउस को हम गंजा कर देते हैं। पूरे ट्री हाउस को गंजा करने के बाद सो गाइस हमारा मुगली से अजरा चमन वाला तक का सफर बढ़िया रहा, तो अब इसकी मरम्मत करना शुरू कर देते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम इधर नीचे आकर ये वाले झोपड़े को बनाने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्री का ये वाला तीन पार्ट को कट कर लेना है। सो गाइस इसको हटाने के बाद हमें इधर लगा लेना है बर्ड्स के प्लैंक्स को, ताकि ये चारों साइड इक्वल्स रहे। गाइस भले ही रियल लाइफ में झोपड़ी में ही रहना पड़े, बट गाइस गेम में एक नंबर होना चाहिए। तो अब पिलर्स को गाड़ना शुरू कर देते हैं। सो गाइस हमारा चारों तरफ दीवार बनने के बाद हमें लगाना है इसके ऊपर छत, नहीं तो नजारा देखते देखते बारिश हो गया तो मूड खराब हो जाएगा। सो गाइस उतारने के बाद हम इधर छोटू सा एक दरवाजा बनाते हैं। और गाइस हमारा इधर एक लॉक टूट गया था तो इसको हम इधर रख देते हैं फिर से। गाइस अगर हम इधर दरवाजा खुला ही रख देंगे तो डाकू मंगल सिंह आकर हमारा घर लूट लेगा। तो सबसे पहले हम इधर बर्ड्स का डोर बना लेते हैं और इधर लगा देते हैं। और उसके बाद हम इधर एक संदूक को रख देते हैं। सो गाइस हमारा एक रूम तो बन चुका है, भले ही पानी की टंकी जैसा हो बट गाइस हमने बनाया तो अब रहना ही पड़ेगा। सो गाइस उतारने के बाद रात हो चुकी थी तो हम जल्दी जल्दी घर जाकर सो जाते हैं। और गाइस सुबह सुबह उठने के बाद हम सबसे पहले पेट पूजा करते हैं, पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा, ठीक है। सो गाइस उसके बाद हम आ जाते हैं अपने दूसरे वाले रूम में। और गाइस इसको हम अपना स्टीव भैया का सेप देने वाले थे, मतलब डब्बा। सो गाइस अब इसका भी खंबा को बनाने के बाद इसको भी हमें दूसरे वाले की तरह कंप्लीट करना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, बाद में डिजाइन कर देना है। गाइस इतनी मेहनत कर रहे हैं, बस एक फ्लिंट एंड स्टील का ही काम है, जलवा है हमारा। सारी मेहनत पानी में डालने के लिए, बट फ्लिंट एंड स्टील से तो आग निकलता है। ओ सॉरी। सो गाइस उसके बाद हम चारों तरफ कॉर्नर में स्लैब लगाने लगते हैं ताकि इसके ऊपर हम कुछ रख सके। और हम चारों तरफ कोसल के मेज को लगा देते हैं ताकि गाइस नजारा देखते देखते हम काम कर सके। सो गाइस उतना होने के बाद हम इधर स्लैब्स के साइड में लगा लेते हैं स्टेयर्स ताकि गाइस से एक टेबल बन सके। और गाइस हम घर के नीचे स्टेयर्स को उल्टा कर रख देते हैं, अगर गाइस फिसल गए तो सीधा हॉस्पिटल में होंगे हम।
घर के चारों तरफ स्टेयर्स को लगाने के बाद गैस हम इधर थक चुके थे और गैस रात भी हो चुकी थी, तो हम इधर घर आकर सो जाते हैं। और गैस सुबह सुबह उठने के बाद हम चले जाते हैं नीचे वाले फ्लोर में, वो भी गैस न्यूटेल में। रॉकेट भी खत्म नहीं होंगे और चलना भी नहीं पड़ेगा। सो गैस उसके बाद जल्दी जल्दी नीचे जाकर हम इधर चेस्ट से निकालने लगते हैं अपने कांच को। हाँ, अब हमें खिड़की भी बनाना है। सो गैस हम यहाँ से लॉन्च तो हो जाते हैं, बट गैस हमारा लैंडिंग कुछ अच्छा नहीं रहता, शायद स्टीव भाई ने आज शराब पी रखा है। और गैस हम यहाँ आकर फिर से एक जुगाड़ करते, क्योंकि जुगाड़ का दूसरा नाम ही माइने माइन भैया है। तो गैस इस कांच के हम दो टुकड़े बना लेते हैं। अरे अरे कंजूस मत बोलो, रिसोर्सेस को बचा रहा हूँ। सो गैस उतना होने के बाद हम चारों तरफ ही इधर गैप में इस वाले कांच को लगाने लग जाते हैं। और गैस सोता हूँ, एक बात हम सारे कांच को रख देते हैं एक संदूक के अंदर। और गैस मैंने सुना है कि रात को लाइट खुला रखने से गैस बहुत सारे कीड़े जमा हो जाते हैं। यहाँ लालटेन को लगा देते हैं और सभी को पकड़ के बेच देंगे। अच्छा बात नहीं है। सो गैस उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे वाले रूम की तरफ। और गैस यहाँ आकर हम चारों तरफ उजाला कर देते हैं, इधर भी है बेचारा झोपड़ी अंधेरा न रह जाए। और गैस उतना होने के बाद हम इधर भी लगाने लगते हैं स्टेयर्स को उल्टा कर कर। अब सबसे बोरिंग काम छत बनाना, सो बनाने के बाद मिलता हूँ। दोनों झोपड़ी के ऊपर छत डालने के बाद सो गैस इंसानों को जितना भी सुविधा दिया जाए फिर भी वो उसी के पीछे भागता है। तो गैस हमारा भी ऐसा ही सीन था। सो गैस अब हमारे मुगली वाले घर में हमें चाहिए होगा एक नरक वाला पोर्टल, जो कि गैस हमारे इधर घर के साथ लिंक्ड हो। गैस आइंस्टाइन वाला दिमाग लगाने के बाद हम आ जाते हैं ये बड़े वाले घर में। और गैस इस वाले एरिया को हमें तोड़कर बनाना होगा पोर्टल वाला रूम। आई होप कि गैस ये अच्छा लगेगा, तो लगाना शुरू कर देते अब। सो गैस नरक का द्वार बनने के बाद हम अपने स्वस्थ लाइटर जिसको जला देते हैं। और गैस उसके बाद हम नीचे धीरे धीरे आ जाते हैं। और गैस देखते हैं कि हमारा मुगली भाई सबका हुलिया बिगड़ा तो नहीं है। बट गैस नीचे जाकर देखता हूँ तो ये बहुत ही चंगा था। अब ये नीचे वाला हमें पोर्शन को कवर कर देना है। और गैस हम बड़े वाले घर के आगे और एक ब्रांच बनाने लगते हैं, ताकि हम इधर एक रूम बना सके। सो गैस बनाते बनाते रात हो चुकी थी, तो हम इधर घर में आकर सो जाते। और गैस सुबह सुबह उठने के बाद हम फिर से चले जाते ऊपर की तरफ। गैस आज हमें पता चला है कि स्टीव भाई सब भी बहुत नशेड़ी है। तो गैस वीकेंड में एलेक्स भाभी के साथ सारा शराब पीने में इन लोगों को एक छोटा सा जगह बना लेते हैं। सो गैस हमारा आउटलाइन बनाने के बाद इसको हम इधर अंदर से फिल करने लग जाते हैं, नहीं तो दारू पीते पीते स्टीव भैया इधर से गिर जाएंगे। सो गैस होता हूँ, एक बार इसके चारों तरफ हम कासल वाला इधर इसको डेकोरेशन देने लग जाते हैं। सो गैस ये आधा तो कंप्लीट हो चुका था, तो गैस इसको अब हमें बहुत थोड़ा सा अपग्रेड करना है। तो गैस ये मुगली से आदिवासी तक तो बन चुका है, बट गैस इसको अब हमें इंसान बनाने के लिए 10% और डेकोरेट करना पड़ेगा। तो इसको डेकोरेट करने के बाद मिलता हूँ जग्गू बंदर वाले घर को डेकोरेट करने के बाद। सो गैस हमारा जग्गू बंदर वाला घर तो दुल्हन की तरह सज चुका है। और गैस पोर्टल वाले नीचे वाले पार्ट को हमने कवर कर दिया। और गैस इधर सीडियो में हमने ऑडियो वाला इफेक्ट बनाया है। ऑडियो खाओ खुश रहो। सो गैस हमने नीचे वाले साइड में कुछ ड्रास्टिकली चेंज नहीं किया, बस गैस हमने वो मोस वाला कारपेट हटा दिया जो कि बहुत जंगली दिख रहा था। और गैस अगर आप लोग इस वाले झोपड़ी में आओगे तो गैस इधर कुछ ज्यादा डेकोरेशन नहीं हुआ है। और गैस अगर आप लोग बस दूरबीन है तो इधर से आप लोग देख सकते हो। और अगर आप लोग इधर से थोड़ा बहुत नीचे आओगे तो गैस आप लोग इधर मिलेगा अपना बेडरूम। और गैस बेडरूम में आप लोग इधर नरक वाला पोर्टल भी मिल जाएगा, जो कि गैस बहुत ही बढ़िया है, सीधे नरक में चले जाओगे। और अगर आप लोग इधर वाले इस वाले ब्रांच से ऊपर जाओगे तो आप लोग इधर एक कैंप साइट देखने मिलेगा, जिसका यूज तो आप लोगों को पता ही है। दारू पियो और नजारा देखो। और गैस हमने इस वाले घर के साइड में बहुत सारे स्प्रूस के ट्री को ग्रो किया है, ताकि ये कुछ अच्छा दिख सके। मालिक को चमचे तो चाहिए होंगे ना। और गैस हमारे घर के आगे से तो ये एकदम बढ़िया दिख रहा था। सो गैस आज के वीडियो में बस इतना है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गैस हमने आज जो अपडेट किया है वो वाला ट्री हाउस कैसा लगा आप लोग कमेंट के अंदर बता देना। और कमेंट में जा ही रहे हो तो नेक्स्ट टॉपिक भी बता देना किसके ऊपर वीडियो बनाना है। सो गाइस जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम में जाकर भी मुझे फॉलो कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।